बीपीएससी की ओर से जारी शिक्षक भर्ती परीक्षा के रिजल्ट को लेकर लगातार बिहार की सियासत गरमाई हुई है। इस बीच राज्य के पूर्व मुख्यमंत्री जीतन राम मांझी ने शिक्षक भर्ती परीक्षा को लेकर बड़ा आरोप लगाया है। मांझी ने कहा है कि शिक्षक भर्ती परीक्षा में धांधली हुई है। धांधली की पूरी शिकायत मुख्यमंत्री और बीपीएससी के अध्यक्ष को भेज रहे हैं, पूरे मामले की जांच होनी चाहिए। मांझी ने आगे कहा कि 2 नवंबर को नियुक्ति पत्र बांटना गलत है। उन्होंने कहा कि पहले शिक्षक भर्ती परीक्षा में हुई धांधली की जांच होनी चाहिए। राजधानी पटना में पत्रकारों के साथ बातचीत के दौरान जीतन राम मांझी ने ये बातें कही है। बता दें कि जीतन राम मांझी ने जदयू एमएलसी नीरज कुमार पर भी पलटवार किया। उन्होंने कहा कि जदयू के नेता कहते हैं कि जीतन राम मांझी ऐसे ही बोलते हैं, उनको सबूत देना चाहिए, तो हमारे पास प्रमाण है। बता दें कि कुछ दिन पहले नीरज कुमार ने मांझी को चुनौती देते हुए कहा कि साक्ष्य के साथ कोई एक भी अभ्यर्थी ऐसा दिखाएं जिनका चयन किसी तरह की पैरवी से हुआ है। जदयू प्रवक्ता ने कहा कि जीतन राम मांझी इस तरह का बयान देकर राजनीतिक बेईमानी कर रहे हैं। गौरतलब है कि जीतन राम मांझी ने कुछ दिन पहले सोशल मीडिया पर एक पोस्ट शेयर कर लिखा कि बीपीएससी शिक्षक नियुक्ति मामले की उच्च स्तरीय जांच की आवश्यकता है। आरक्षण की अनदेखी कर यह नियुक्ति रेलवे के लैंड फॉर जॉब के तर्ज पर मनी फॉर जॉब स्कीम के तहत की गई है। पैसा दो सरकारी नौकरी लो घोटाले की उच्च स्तरीय जांच होनी चाहिए। जीतन राम मांझी ने आगे और भी क्या कुछ कहा है, आप इस रिपोर्ट में देखिए। के लोग हमारे पास मिले हैं, हमारे पास कुछ जदयू के साथी और लोग बोलते हैं कि जीतन मांझी ऐसे ही बोलते हैं, प्रमाण दें, तो हमारे पास प्रमाण है और प्रमाण का जिस्ट यही है कि 11 एवं 12 के शिक्षकों का दस्तावेज सत्यापन, जिसको डीवी कहते हैं, कि दौरान कुल 1698 अभ्यर्थी जो पाए गए हैं, जिसकी सूचना सोशल मीडिया पर उपलब्ध है। परीक्षा फल के पहले जब दस्तावेज डीएवी का सत्यापन जो हुआ, तो आयोग पाए गए थे उनमें घोषित योगदान करवाया जा रहा है, यानी कि जो आयोग पाए गए थे उनको भी घोषित किया गया, जो ये प्रमाण है। और डीएवी कहते हैं सत्यापन डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन। तो हमारा कहना है कि हर परीक्षाएँ में कम से कम 5% से 10% लोग अनुपस्थित रहते हैं। यहाँ क्या है, इस परीक्षा में जब लाखों लोग दिए हैं तो मात्र 125 या 126 अब्सेंटी बताए गए, जो एकदम असंभव है। अगर एक केंद्र पर एक भी अब्सेंट होंगे तो बिहार में कितने केंद्र थे, तो हजारों केंद्र पर तो कम से कम उतना तो अब्सेंट ही माना जाता है, लेकिन उतना अब्सेंट नहीं माना गया है। एक चीज़ है, इसके आधार पर हम कर रहे हैं। और दूसरा है कि परीक्षा के अनिवार्य विषय में अनुपस्थित एवं असफल अभ्यर्थियों की संख्या लगभग 150 दिखाई गई, जो अभी हम कहे हैं, जबकि वास्तविक रूप में इससे कहीं अधिक अभ्यर्थी परीक्षा में अनुपस्थित थे, जिसकी चर्चा हम पहले कर दिए। ये भी प्रमाण है, आपके यहाँ दस्तावेज है, आप देखिए कितने लोग हुए हैं, कितने अनुपस्थित हैं और कितना अनुपस्थित आप बताए हैं। फिर ये कहा गया है कि जो परिणाम आ गया है परीक्षार्थियों का, उनको ORM में कई महत्वपूर्ण कॉलम नहीं भरे हैं, लेकिन उनको भी जो पाया गया है। और परीक्षा फल के बाद अभ्यर्थियों के परीक्षा के बारे में भरे गए फॉर्म एवं दस्तावेज का जो संशोधन का अवसर दिया गया है, ये क्या है? नियम है कि परीक्षाएं होती है, परीक्षा फॉर्म भरा जाता है, जिनका फॉर्म ठीक नहीं होता है उनको अयोग्य घोषित कर दिया जाता है। अब आप यहाँ रिजल्ट घोषित हो जाने के बाद उनके दस्तावेज को पुनः आप वेरिफिकेशन करवाते हैं और सत्यापित कराते हैं, ये क्या मतलब है? इसमें कहीं ना कहीं अनियमितता की बू आती है। और उसी रूप में हमारे लोगों ने जो दिया है डेट ऑफ बर्थ के बारे में बोला है, उसमें एक जगह बात आई है